पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा, इस बार बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिसको भी पार्टी के द्वारा सिंबल दिया जाए उसे मेहनत के साथ चुनाव लड़ाना है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अगर ये पिछड़ों के साथ थे तो फिर पिछड़ों के नाम पर जिलों के नाम क्यों बदले गए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भाजपा पिछड़ों की हितेशी होती तो आरक्षण को सही संवैधानिक तरीके से पिछड़ों को दिया जाता और किसी को भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। तो वहीं उन्होंने कहा कि बसपा को डमी पार्टी बताना भी भाजपा का षड्यंत्र था। उन्होंने कहा कि भाजपा को हमेशा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि किसी जाति के पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने का मुद्दा बाबा भीमराव अंबेडकर ने उठाया था। बसपा ने हमेशा इसकी पैरवी करने का काम किया। 1992 में साइमन कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक आरक्षण देने के नाम पर पिछड़े वर्ग को धोखा देने की बात कही है। साथियों, इस चुनाव में जो वार्ड का, मेंबर का, पार्षद का, नगर पंचायत का, मेयर का होगा, इस चुनाव में मेरे साथियों टिकट मांगने का अधिकार तो सब कार्यकर्ताओं को है, सारे कार्यकर्ताओं को है, लेकिन इसमें मेरे साथियों सिंबल रहेगा। तो शांति बना लीजिए भैया, सिंबल हाथी रहेगा। माननीय बहन जी, जिसको भी सिंबल ले करके भेज दे उसको जिता करके भेजने का काम करिएगा। क्योंकि मैंने देखा है, कहते हैं मैं पैदाइशी बीएसपी का मिशनरी आदमी हूँ, लेकिन अगर कभी सिंबल नहीं मिला तो बगावत करने लगते हैं। ए मेरे साथियों, इसका गौर करके ध्यान रखिएगा। जिसको मान्य बहन जी सिंबल हाथी भेज देंगी उसके साथ चाहे पदाधिकारी हो चाहे पदाधिकारी ना हो, सारे लोग मिल करके एक एक सीट पर अपनी टीम बना करके लग जाना, निश्चित है बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता पर विश्वास करके इस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जिस दिन माननीय बहन जी ने अध्यक्ष बनाया है 20 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख से मैं लगातार निकला हूं और मंडल वाइज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूं, और निश्चित ही ये देखने को मिल रहा है कि आज बहुजन समाज पार्टी में चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े या पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे हमारे श्रुकास्ट के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हैं, सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। निश्चित है कि लोगों के समझ में आ रहा है, इसके पहले हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा हुआ था, और उस चीज़ का मैं भरम लोगों के दिमाग से निकाल करके फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके आने वाले समय में सरकार बनाने का काम। चुनाव की क्या रणनीति है नगर निकाय के चुनाव आने वाले? नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है, बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिन लोगों की रणनीति अच्छी नहीं थी, जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी, वो लोग चुनाव से भागने के लिए तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर काफी निशाना भी साधा, मुझसे मतलब नहीं, मैंने भाजपा पर नहीं साधा। कह रहे हैं कि हम जो है पिछड़ों के लिए, आरक्षण के लिए हम लड़ने वाले इकलौते हैं। मैंने क्या कहा, पिछड़ों के लिए अगर ये लड़ाई लड़ने वाले थे तो बीएसपी का गठन 84 में हुआ है, उसके पहले कोई साक सैनिक कश्यप मौर्य पाल का नाम बताओ नेता का। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।